वर्ष के प्रत्येक माह में दो एकादशी के व्रत होते हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता और रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। वर्ष के ज्येष्ठ माह में निर्जला और योगिनी एकादशी होती हैं। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेतांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाया करता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं।
अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने वाले का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को जो विधिपूर्वक उत्तम रीति रिवाज से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोग करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो ब्रह्मात्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री स्त्रियों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनुका का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या द्रतमयी धेनुका का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होंगे और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता का दान करना चाहिए। जो ज्येष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को भक्ति पूर्वक सुनाता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल का घड़ा भरकर संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारणावतारक उदकुंभ प्रदानेन नये मा परमां गतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो भी शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।